नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मनोज। आपने हमारे जो कुछ वीडियोस चंबल को लेकर हमने बनाए, आपने जिस तरह से कमेंट बॉक्स में और मेरे फेसबुक मैसेंजर पर आपने जिस तरह से बहुत सारे सवाल भेजे हैं, आपने प्रश्न किए हैं, आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कभी हमको चंबल की बीहड़ का वो इलाका भी दिखाइए जहाँ पर ये डाकू लोग रहा करते, तो हमने हमारी चैनल के जो विशेष आमंत्रित अतिथि हैं सीमा परिहार जी से निवेदन किया। हमने उनसे कहा कि हमको आप चंबल के वो भी इलाके दिखाइए, वो भी जगह दिखाइए जो बड़ी डरावनी और जो डाकुओं के लिए सेफ होती थी। तो आज हमारा ये निवेदन सीमा जी ने स्वीकार किया है, आज वो हमारे साथ चंबल के इस बीहड़ में। मैं निवेदन करूंगा सीमा जी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। और सीमा जी आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और हाँ, आपसे एक निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल कवि कुमार मनोज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सीमा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो बीहड़ है, आप देख सकते हैं ये चंबल का बीहड़ है, ये उधर जमुना नदी बह रही है, ये कलकल के बहती हुई नदी, इस समय उफान पर है, बरसात का मौसम है। सीमा जी एक बात बताइए, जब बरसात होती थी जी, तब क्या करते थे आप लोग? जब बारिश होती होगी तो कहाँ छुप जाते थे? मनोज जी, छुपने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं रहती थी। आपको जो घना जंगल पूरा दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर मैं जब बारिश तेज होने, जब हल्की बूंदें पड़ती थी तो मैं पेड़ का सहारा लेते, जब तेज बारिश होती थी तो तुरंत रस्सी को बांध के उस पे तिरपाल डाल देते थे, और तिरपाल डालने के बाद में और उसके नीचे छुप जाते थे। आप सर, इस इलाके में ऐसी कोई जगह है यहाँ पर? हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, वो जगह अगर इधर कहीं दिख रही हो आप आइए मेरे साथ, चलती चलिए 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 मैं बताती हूँ। और किस तरह से आप कहाँ छुपते थे? देखिए मनोज जी, आपको जी छोटी सी खांडिया दिखा रही है जी जी, आपको ये लगता होगा कि मैं जल्दी में कैसे उतरे। मैं इस बार एक बार उतर के ही देखते हैं, चलिए इसको। देखिए मनोज जी, आपको उतरने में कितनी परेशानियां पड़ी होंगी। मैं अपनी राइफल को लेके और उसका अम्लेशन लेके, कारतूस लेके, तीन तीन चार चार सौ कारतूस होते थे, तो मैं ये खंदिये में उतरते थे, पूरा सामान का पिट्ठू भी साथ में होता था, और जब मैं लेके उतरते थे और आके जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, मैं यहीं पर जगह पे टेंट लगाते थे। टेंट लगा के मेरे पास कोई खुरपी और फोड़ा नहीं होता था। अब पानी का कटाव करना है बरसाती के नीचे से, तो जो ये स्टील का गिलास आता है मैं उसी से नालियां बना ले जाते थे। जब पुल नहीं हुआ करते थे तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ये पीपन का पुल बना जाता था, उस पर वहाँ चार पहिया वाहन भी निकल जाते थे, साइकिल सवार भी निकलता था, पैदल वाला भी निकलता था। लेकिन हम लोग फिर भी ये पीपा के पुल पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हर पुलिस वाले को जानकारी होती थी कि पीपा के पुल से होकर बागी व्यापार जा सकता है, हम इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उस टाइम। और अगर मैंने किया है तो पहले अपना एक कैंडिडेट को भेजते थे, वो पूरा सर्चे करके आता था, तो ये कहते थे कि अगर कोई वहां पर पुलिस होगी तो हमारा एक ही आदमी मारा जाएगा, पूरा गैंग नहीं जाता था। जब वो आदमी पूरा पार करके अगर जहां जहां पुल थे निकल जाता था तो वो हमें सूचना करके फिर लौट के देता था कि वहां पर पुलिस नहीं है, तब हम लोग पार करते थे। जब जमुना जी में होता है तो कोई इसके अंदर नहीं घुलता है। एक समय में कालपी के नीचे पीपा के पुल से क्रॉस हो रहे थे, उस समय कालपी का जंगल में कहीं पर पुल नहीं था, तो वहां पर पुलिस आ गई। तो इस तरीके से मैं एक दाय अपनी जान बचाई थी छुप के पीपा के अंदर जाके, और जब वहां से पुलिस निकल चुकी थी तो हम लोग डरते डरते फिर वहां से निकले, और निकलने के बाद में तब मनोज जी मैंने जिंदगी बचा पाई है। जमुना जी और चंबल में जब मैं उतरती थी तो मात्र एक नाव का सहारा होता था, कभी कभी नाव नहीं मिलती थी तो हम लोग तैर के निकलते थे, जहां तक पाँव टिकते थे तो पैदल चलते थे, नहीं फिर तैर के निकलते थे। आज चंबल वो हो चुकी है कि हर जगह जाने में टाइम नहीं लगता है, और बिल्कुल पुल के आश्रय से गाड़ी व्यापार की व्यापार जाती है, और हमारे जमाने में वो भी नहीं था। लेकिन आज मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करना चाहते कि मैंने जब 17 साल काट के जब मैं समाज में लौट के आई है, जो आप लोगों ने हमारी पीढ़ा को समझा है, जो प्यार मोहब्बत हमें दिया है, तो मैं चंबल की घाटियां तो भूल गए, आपके प्यार में खो गए। क्योंकि प्यार इतना चीज होती है, क्योंकि मैंने छोटे पे अपने माँ बाप का प्यार नहीं जाना था और बहन भाई का प्यार नहीं जाना था, लेकिन आज जो हमें देशवासियों ने जो प्यार दिया है
तो मैं अपनी पीड़ा को भूल के, लेकिन आप लोगों में मैं घुल मिल गए हैं।